हेलो एंड वेलकम टू 23rd एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस फॉर L4, L5 और L5S1 डिस्क बल्ज। जी हाँ, इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज कब और क्यों करनी चाहिए, जैसे स्टेनोसिस, फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी और लिगामेंट फ्लेमम हाइपरट्रॉफी की वजह से जो साइटिका होता है और क्रॉनिक बैक पेन होता है उसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज क्यों की जाती हैं। अब इसी तरह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज क्यों करी जाएंगी और कब करी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों में, क्योंकि कई लोग इसको मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी बोला जाता है। कईयों को लगता है कि जब L4 L5 डिस्क बल्ज में MRI में दिख रहा है तो हमें सिर्फ यही करना होता है, और कईयों को इसको भुजंगासन भी बोला जाता है हिंदी में। तो वो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है और मिथ है कि ये बैक एक्सटेंशन करने से ही हमारी बैक स्ट्रेंथन होती है और ठीक होती है, जबकि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज हमें कब नहीं करनी चाहिए। पर इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि हमें कब बैक एक्सटेंशन ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े कन्फ्यूजन को यह दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मेरा वीडियो था जिसमें मैंने एक्यूट डिस्क बल्ज के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोग वो वीडियो देख के कहते हैं कि आपने तो इसमें यह बताया कि बैक एक्सटेंशन ही करनी है तो हम फ्लेक्शन क्यों करें। तो उसका जवाब मैं आपको एक वीडियो में दे चुका हूँ, अब बैक एक्सटेंशन का दूंगा, कैसे इसको हम क्यों यूज़ करते हैं वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बात करते हैं कि हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी कब चाहिए और क्यों यूजफुल होती हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब देखिए, ये है L4 L5 वर्टिब्रा, ये है L5S1 वर्टिब्रा, ये है L4 L5 की डिस्क जिसका हमने, अब ये नॉर्मल डिस्क आपको दिख रही है और ये हो रही है आपको एक्सट्रूडेड या प्रोट्रूडेड डिस्क, कोई भी हो डिस्क बल्ज या हर्निएशन, तो L5S1 का हर्निएशन है। अब जब ये एक्यूट होता है यानी कि फ्रेश सिम्टम होते हैं इसके, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि एक्यूट फेज में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको हम बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। अब ये L5S1 जब फ्रेश सिम्टम आ रहे हैं यानी कि अभी अभी पेशेंट को ये डिस्क प्रोलैप्स हुआ है और 3 to 4 days उसको बैक एक्सटेंशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लूइड है, क्योंकि डिस्क जो है वो 80% वाटर होता है और ये जो फ्लूइड बाहर मूव कर रहा है वही जाके नर्व को टच कर रहा है, और किसी को साइटिका हो रहा है, किसी को नॉर्मल बैक पेन तक भी रहता है। ज़रूरी नहीं कि हर डिस्क बल्ज जो होता है या हर्निएशन होती है वो साइटिका ही कॉज करती है या नर्व को इम्पिंज ही करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, सिर्फ लो बैक पेन भी होता है, इसीलिए पेशेंट को कई बार पता नहीं लगता कि मेरी लेग में तो पेन जा नहीं रहा, तो मुझे नॉर्मल बैक पेन है या डिस्क है, तो ये कम पता नहीं लगता। ये चीज़ जब फ्लूइड बाहर आ रहा होता है उस टाइम पे हम बैक एक्सटेंशन करते हैं, ताकि हम ये जो न्यूक्लियस होता है अंदर, ये न्यूक्लियस का करता है वाटर को स्टोर करके रखता है। अब जब हम बैक एक्सटेंशन करना शुरू करते हैं तो वो क्या, यहाँ से जगह ओपन होती है और हमें जो वाटर होता है वो बाहर से फिर से अंदर आना, वो न्यूक्लियस जो है वो उसको स्टोर करना शुरू कर जाता है, अपने आप उसको अंदर स्टोर कर लेता है, सक कर लेता है, तो इसलिए हम उस टाइम पे बैक एक्सटेंशन करते हैं। पर यही बैक एक्सटेंशन अगर क्रॉनिक केस में की जाए, यानी कि जब हमें स्टेनोसिस के सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि कैनाल तब ऑलरेडी टाइट हो गया है, डिस्क तो जो करना करके गई थी वो ऑलरेडी कर चुकी है, फाइब्रोस्ड हो चुकी है, उसने तो अब अंदर आना नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जब हम एक्सटेंशन करते हैं जब क्रॉनिक फेज में, तो जो स्टेनोसिस के सिम्टम है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि कई लोगों को आप देखा होगा कि जब वो बैक एक्सटेंशन करते हैं तो पेन बढ़ जाता है, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप कैनाल को टाइट कर रहे हैं। पर एक्यूट फेज में अगर आप ये एक्सटेंशन करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपके जो साइटिका के सिम्टम है जो नीचे जा रहा है वो वापस आपको, इसको पेरिफरलाइजेशन बोलते हैं, जो हमारा पेन बैक से नीचे को जाता है, और सेंट्रलाइजेशन होता है जो हमारा पैर वाला पेन ऊपर बैक की तरफ आता है। तो हमेशा ये याद रखें कि जब पैर वाला पेन या लेग वाला पेन ऊपर बैक की तरफ आ रहा है तो सेंट्रलाइजेशन है और ये अच्छी चीज़ होती है, और अगर बैक का पेन नीचे लेग की तरफ जा रहा है तो ये बुरी चीज़ होती है, और एक्यूट फेज में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक्यूट फेज है या क्रॉनिक फेज है। अब एक्यूट फेज के 5 ऐसे सिम्टम हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, वो 5 सिम्टम अगर आपको हैं तो समझ लीजिए अभी भी आपकी डिस्क एक्टिव है, एक्यूट है। इसमें एक्यूट का मतलब इंक्रीज ऑफ पेन नहीं है, मैं पेन की डेफिनेशन में एक्यूटनेस नहीं बोल रहा, मैं एक्यूट बोल रहा हूँ उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी कि फ्रेश सिम्टम है या फ्रेश सिम्टम नहीं है, इसका मतलब होता है एक्यूट, जिसमें हमें 3-4 days में रहता है ये फ्रेश सिम्टम इसको आ रहे हैं डिस्क बल्ज के। और वो फ्रेश सिम्टम कैसे हैं, कैसे पता लगेगा एक्यूट केस का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हमारे 5 सिम्टम जो एक्यूट सिम्टम है डिस्क बल्ज के, जब भी एक्यूट प्रॉब्लम होगी या फ्रेश डिस्क बल्ज होगा
तो ये फाइव सिम्टम्स जरूर होते हैं, इनमें से एक भी कई बार होता है कि सारे प्रेजेंट होते हैं, वैसे मोस्टली सारे प्रेजेंट होते हैं जब अभी अभी पेशेंट का डिस्क बल्ज हुआ है, और उसको ये पांचों सिम्टम होते हैं वो 3-4 दिन तक रहते हैं। और वो कौन से हैं? एक तो अर्ली मॉर्निंग पेन होता है। अर्ली मॉर्निंग पेन में क्या होता है, जब पेशेंट को डिस्क बल्ज हुआ है उसको अगले दिन जब 4-5 बजते हैं सुबह के, तो पेन बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो जो वाटर स्टोर करता है हमारा स्पाइन, जो हमारा डिस्क होती है, वो वाटर जब स्टोर करती है तो उसका जो वाटर है वो प्रेशर बढ़ा देता है जब स्टोर होता है, तो वाटर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो नर्व को टच कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बाहर निकला हुआ है, तो और वाटर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, अर्ली मॉर्निंग पेन होता है। सेकेंड आता है कफिंग स्नीजिंग पेनफुल और टर्न लेना पेनफुल। मीन्स क्या क्या होता है, जब हम पेशेंट को कफ करने के लिए स्नीज करने के लिए बोलते हैं उसको बहुत शूटिंग पेन होता है, पर ये पेन इंस्टेबिलिटी में भी होता है। अगर किसी की स्पाइन अनस्टेबल है, मसल बैलेंस नहीं है, तो इसको सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं, उसमें भी ये पेन कई बार होता है, पर इसको मिमिक नहीं करना कि हमें ये फ्रेश डिस्क बल्ज है। ये मैं कह रहा हूँ पांचों सिम्टम इकट्ठे भी होते हैं। तो कफिंग स्नीजिंग पेनफुल, कई बार छींक इतनी जोर से आती है कि पेशेंट का इतना बुरा पेन होता है टांग की तरफ, तो ये हमारा होता है, समझ लीजिए एक्यूट डिस्क बल्ज का एक साइन है। तो एक होता है थर्ड पॉजिटिव SLR टेस्ट। ये जो चीज़ है, ये हम फिजियोथेरेपिस्ट या हमारा ऑर्थोपेडिशियन ये चेक करते हैं, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से, इस तरह से सीधा लेट के पेशेंट ने पैसिवली, यानी कि उसका कोई भी मेंबर घर का, वो इससे उसकी जो पेनफुल लेग है, या हमारा वैसे तो दोनों लेग पे ये टेस्ट होता है, तो इसमें इस लेग को रेज करके देखना होता है कि उसका अगर 40 डिग्री तक हमारा नहीं आ रहा, पेन आ जाता है 40 डिग्री उठाने तक, तो समझ लीजिए पॉजिटिव SLR टेस्ट है, क्योंकि ये टेस्ट की वजह से पता लगता है कि ये डिस्क पे प्रेशर आ रहा है। तो फोर्थ नंबर पे आता है इंक्रीज पेन इन सिटिंग। जब भी फ्रेश डिस्क बल्ज होगा वो सिटिंग में पेन इंक्रीज ही करेगा, और खड़े होने पे उसी टाइम पेन कई बार रिलीफ हो जाता है, तो ये भी एक साइन होता है। पर कई बार इतनी ज़्यादा पेन होती है पेशेंट को, डिस्क बल्ज इतना फ्रेश होता है कि उसको स्टैंडिंग सिटिंग कहीं पर भी रिलीफ नहीं आता, तो उसके लिए मेरा एक्यूट फेज वाला वीडियो ज़रूर देख लें, वो उसमें आपको पता लग जाएगा हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फिफ्थ आता है हमारा फ्लेक्शन और फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि फ्लेक्शन होता है आगे झुकना। अब जब भी पेन होता है तो हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो पेशेंट के सिम्टम बढ़ जाएंगे। अगर उसका बैक में पेन है तो वो लेग में भी चला जाएगा अगर वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है, और जैसे ही वो पीछे जाएगा तो उसका पेन कम हो जाएगा। तो ये फाइव सिम्टम से हमें पता लगता है, ये बिना MRI के भी हमें पता लग सकता है, ज़रूरी नहीं इसके लिए MRI करवाना चाहिए, पर ये हमें बिना MRI के पता लग जाता है कि पांच सिम्टम है तो फ्रेश डिस्क बल्ज है। अब इन पांच सिम्टम में हम करते हैं अपनी एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जिसके जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो पीछे से हमारा जो ये वर्टिब्रा है वो पीछे जब जाते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो आगे को मूव कर जाता है। जब वो आगे को मूव करता है तो वो स्टोर जो वाटर बाहर निकला है उसको वापस अंदर लाने की कोशिश करता है, उसको सक इन करता है, इसीलिए पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिलता है एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने पे। अब एक और बात आती है कि हमारे पास जितनी कंसल्टेशन आती है, MRI लोग MRI में अपना बहुत बिलीव करते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या MRI हमेशा सही चीज बताते हैं। अब MRI में उसको दिखता है कि L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है। अब मैं एक और बात आपको बता दूं, ये MRI हमेशा आपका L4, L5 डिस्क बल्ज दिखाती रहेगी जब से ये शुरू हुआ है तब तक आपके एंड तक। कारण ये है क्योंकि MRI ने कभी नहीं कहना कि अब आपका L4, L5, मान लीजिए किसी ने 5 साल पहले MRI करवाया था, उसका डिस्क बल्ज शो हुआ था, अगर 5 साल के बाद कोई MRI करवाता है तो उसमें वो ये नहीं लिखेंगे कि L4 L5 डिस्क बल्ज नहीं है या गायब हो गया है, वो डिस्क बल्ज वहीं का वहीं रहता है। ये है कि आपके सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं और वो वहां पे फाइब्रोस हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता। एक्टिव और इनएक्टिव डिस्क बल्ज की वजह से ही हमें देखना पड़ता है हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आपको पता लग गया कि जब एक्यूट सिम्टम है, फ्रेश सिम्टम है, तब हमने एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है, और जब स्टेनोसिस हो गया है या सेटिका हो रहा है, हमारा एक्सटेंशन में खड़े रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और लिगामेंट फ्लेमम हाइपरट्रॉफी है, फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, उसमें हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं हमेशा एक्सटेंशन एक्सरसाइज के खिलाफ हूँ। जब भी ये मैं फ्रेश सिम्टम देखता हूँ तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन करने को बोलते हैं पेशेंट को, पर बार बार एक्सटेंशन करने से जब वो फ्रेश सिम्टम नहीं होते तो वो कैनाल को और टाइट करते हैं, इसलिए हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों वीडियोस आप जरूर देखिए, एक्सटेंशन का तो मैंने आपको बता दिया, अब फ्लेक्शन एक्सरसाइज वाला भी वीडियो देख लीजिए, आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि कब हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए।
फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि कब क्या करना है, तो सिंपल एक चीज देखिए, अगर आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने में पेन लेग की तरफ जा रहा है, यानी कि पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है, तो उसको स्टॉप कर दीजिए, सिम्टम बढ़ रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए। और अगर आपको फ्लेक्शन करने से प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लीजिए अभी भी आप एक्यूट फेज में है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, पेशेंट को जो एक्यूट फेज है थोड़ा खत्म होता है, खोता होता, पर एक ऐसा झटका फिर से लग जाता है जिसको उसको एक्यूट सिम्टम फिर से आ जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये एक बार डिस्क ठीक हो गई तो कभी दोबारा हो नहीं सकती, ये दोबारा दोबारा हो सकती है, क्योंकि जब तक वाटर है अंदर, आपकी डिस्क फ्रेश है, तब तक वो आपको बार बार भी तंग कर सकती है। तो एक्यूट सिम्टम जब दोबारा आते हैं तो फिर से इसको चेक करिए और आपको पता लग जाएगा कि फिर मुझे अब एक्सटेंशन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो MRI जरूर देख के ये मत कहा करिए कि मेरे को तो L4-L5 डिस्क बल्ज है, हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर आपको स्टेनोसिस हो रखा है, बाकी चीज़ें हो रखी हैं, तो हम उसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज ही करवाएंगे, सिर्फ एक्यूट डिस्क बल्ज में हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाएंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज कब और क्यों करनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप अपना MRI या अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पे जाके आप इसको आप WhatsApp पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, इसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसमें हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम जान के आपको आप उसका पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। और मेरे पुराने वीडियोस का जो लिंक है, पूरे लो बैक पेन सीरीज, ये 23rd एपिसोड है, इसके 22 एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट के ऊपर भी आपको पिन कर दिया जाएगा कि ये हमारा सारा लो बैक पेन सीरीज की जितनी भी आपको एपिसोड्स हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।